हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। दिस इज विक्रम सिंह एंड आई वेलकम यू टू आई एग्जाम बी गवर्नमेंट एग्जाम्स मेड इजी। सो गाइस, आज के हमारे सेशन में जैसे कि आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेशन को देखा, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस एमसीक्यू से रिलेटेड आज हमारा पार्ट फोर है, जिसमें हम इंश्योरेंस एंड फाइनेंस से रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस को देखने वाले, जो कि आपके आगे आने वाले जीआईसी और एलआईसी के जो भी पेपर्स होंगे, जो भी एग्जाम्स होंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, आपने इसमें से देखना है और बताना है कि कौन सा इसमें से प्रावधान ऐसा है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत स्टेट लिस्ट में नहीं आता है। तो ये जो फिशरीज है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, गैम्बलिंग, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता गाइस। ये जो तीन है आपके, ये तीनों के तीनों स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आपका इंश्योरेंस है, ये आपका स्टेट लिस्ट में नहीं आता है, इट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेवन शेड्यूल जो हमारा है, टोटल देयर आर 12 शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें से आपका जो सेवन शेड्यूल है उसमें आपको थ्री लिस्ट देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है संघ सूची, यानी कि जो केंद्र सरकार की सूची है। स्टेट लिस्ट का मतलब होता है राज्य सूची एंड कंकरेंट का मतलब होता है समवर्ती सूची। इन यूनियन लिस्ट जो भी आपके कानून हैं वो केंद्र सरकार बनाती है, यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। एंड इन स्टेट लिस्ट, इसमें राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, वो इसके रिलेटेड जो प्रावधान है, जो लॉज है, वो बनाते हैं। और कंकरेंट लिस्ट में स्टेट एंड यूनियन दोनों ही मिलकर इससे रिलेटेड कानून को बना सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमारा आंसर आता है इंश्योरेंस ए। सेकेंड क्वेश्चन, विच फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू फुली ओन एन इंश्योरेंस बिजनेस। तो कौन सा ऐसा बैंक है इंडिया में जिसने अपना खुद का इंश्योरेंस बिजनेस ओन करा है, मतलब कि किसी और के अंडर पे नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऑप्शन है HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI, IDBI या फिर SBI। तो यहाँ पे मैं आपको बताया, जो आपका आंसर है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये जो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। ये क्या है, ये भारतीय बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, यानी कि ये क्या करती है, क्रेडिट करती है, एक तरीके से लोन भी देती है, और इसका एक इंश्योरेंस कंपनी भी है जिसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है मुंबई में। अब फरवरी 2021 में क्या हुआ कि इसको भारत का तीसरा सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक घोषित किया गया, किसमें, मार्केट कैपिटलाइजेशन में, यानी कि मार्केट में इनकी पूंजी, मार्केट में इनका कैपिटल, इनकी इनका पैसा कितना है। इनके पास 1600 ब्रांचेस हैं विद 2519 एटीएम के साथ साथ इसको बनाया जाता है भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एग्जाम बी ने LIC, AO और AAOIT, GIC का असिस्टेंट मैनेजर का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको 25% फ्लैट देखने को मिलता है। अगेन आप इसको अवेल कर सकते हैं, आपको कोड यूज करना है GET25, दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। गाइस, आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है, वीडियो लेसन्स दिए जाएंगे, इंटरव्यू की गाइडेंस आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, लाइव सेशन होंगे, 1-on-1 आपका कराया जाएगा, स्टडी नोट्स भी दिए जाएंगे, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस टेस्ट भी कर सकते हैं, और अपनी जो आपकी तैयारी चल रही है उसको भी आप उसका लेवल देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं थर्ड की बात करता हूं, व्हाट आर द मेन फंक्शंस परफॉर्म बाय IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनमें से क्या काम है उनके, तो आपके ऑप्शन है पहला प्रोटेक्ट द राइट और पॉलिसी होल्डर, ये ऑफ होगा गाइस। तो क्या जो पॉलिसी होल्डर है उसके राइट को प्रोटेक्ट करना, दूसरा आपका एडजुडिकेशन ऑन इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर, जो रिलेटेड मैटर है इंश्योरेंस से उनको देखरेख करना, तीसरा है आपका इंश्योरेंस बिजनेस को प्रमोट करना, चौथा है आपको रेगुलेट करना इन्वेस्टमेंट को, फंड को इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किसी कस्टमर का पैसा गलत जगह पे लगा रहा। तो हाँ, IRDA का काम ये सभी है, सारे के सारे काम IRDA करता है, क्योंकि IRDA एक रेगुलेटरी बॉडी है अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको बनाया गया था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, यानी कि IRDAI एक्ट 1999 में पास हुआ था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन हुआ था इंश्योरेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आपके ऑप्शन है शेयरिंग ऑफ लॉसेस, क्या उनको जो लॉसेस होते हैं वो सभी के सभी खाता धारकों पे शेयर होते हैं, प्रोबेबिलिटीज, लार्ज नंबर, रेंडमनेस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं,
इंश्योरेंस किस चीज पे वर्क करता है, क्या लॉस का शेयर करता है, हाँ करता है, प्रोबेबिलिटीज भी शेयर करता है, हाँ करता है, लार्ज नंबर पर भी फोकस करता है, रैंडमनेस कभी भी कोई चीज हो सकती है, और ऑल ऑफ दीज। तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर आता है ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है गाइज यहाँ पे, इंश्योरेंस हेल्प्स टू, ठीक है, तो इंश्योरेंस क्या हेल्प करता है, तो प्रिवेंट एडवर्स सिचुएशन फ्रॉम अकरिंग। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि इंश्योरेंस क्या करेगा, आपको एक तरीके से प्रिवेंट कर सकता है, नहीं कर सकता है। दूसरा आपका रिड्यूस द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एडवर्स सिचुएशन, क्या ऐसा कर सकता है, तो इसको देखेंगे अभी। तीसरा आपका निगेट ऑल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एडवर्स सिचुएशन, क्या जो आपकी एडवर्स सिचुएशन है उसमें होने वाली नेगेटिव चीजों को इंश्योरेंस कम कर सकता है, नहीं कर सकता है। मेक एसेट कंटिन्यूअसली प्रोडक्टिव, क्या आपका जो कभी एसेट है उसको कंटिन्यूअसली प्रोडक्टिव बना सकता है, तो नहीं बना सकता है। कोई भी एसेट है आपके पास, वो उसकी एक डेट होती है, और वो एक डेट के बाद आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा रिड्यूस द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एडवर्स सिचुएशन। अगर भविष्य में कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उससे निपटने के लिए कोई उसका फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस अगर होता है तो उसको कम करने के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, द मेन पर्पस ऑफ हैविंग लाइफ इंश्योरेंसेस, तो जीवन बीमा का क्या है मेन पर्पस, तो आपका फर्स्ट है एज एन एवेन्यू फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। दूसरा आ गया आपका एज अ मीडियम फॉर गेटिंग इनकम टैक्स बेनिफिट फ्रॉम सेविंग, तो आपका जो इनकम टैक्स है उससे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर आप इसमें सेव करते हो तो आपको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है। तीसरा है आपका एज अ गवर्नमेंटल प्रोग्राम, क्या लाइफ इंश्योरेंस एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है। चौथा आ जाता है आपका एज अ एवेन्यू फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं जो हमारा आंसर होगा नन ऑफ अबव होगा, क्योंकि ना ही ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ना ही ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ना ही ये बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स है या फिर कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम है। ये सारा का सारा जो खेल है पूरा का पूरा डेंजर या फिर जो फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले उस पर डिपेंड करता है, कोई भी व्यक्ति इसको सोच सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, तो भारत में सबसे बड़ी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी होती है जो जीवन जीवन से रिलेटेड कोई भी इंश्योरेंस नहीं करती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जीआईसी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी या फिर नन ऑफ अबव। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, भारत की सबसे बड़ी जो लाइफ इंश्योरेंस नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो आपकी है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अभी जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंबई में, क्योंकि इसे नेशनलाइज करा गया था जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, और भारत में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है, तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है। और ये जो आपका न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है इसको सर दोराबजी टाटा ने 1919 में एस्टैब्लिश किया था, और भारतीय सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था 1973 को, राष्ट्रीयकरण भी बोल सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी वॉज लॉन्च विद नबार्ड एज वन ऑफ इट्स प्रमोटर विद 30% स्टेक ऑन इट, तो कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिसको नबार्ड के साथ लॉन्च करा गया था, क्योंकि नबार्ड के उसमें 30% शेयर या फिर स्टेक देखने को मिलते हैं। तो आपके ऑप्शन है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, नबार्ड की हेल्प से जो कंपनी लाई गई है इंश्योरेंस कंपनी, तो वो है आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहां पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। जो जीआईसी है इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है मुंबई में, ये एक नेशनलाइज री इंश्योरेंस कंपनी है। व्हाट इज री इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि एक तरीके से ये एक कंपनी होगी, ये दूसरी कंपनी होगी, और ये एक तरीके से कस्टमर हो गया, इस कस्टमर ने इस कंपनी से इंश्योरेंस लिया, लेकिन ये कंपनी खुद भी इसको इंश्योर कराना पड़ेगा जो भी इसके पास पैसा है, तो ये जिसके पास जाएगी दैट इज री इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि ये इनको री इंश्योरेंस देती है कि भाई आपको अगर कोई खतरा होता है इन फ्यूचर तो हम उसके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ये डायरेक्टली री इंश्योरेंस कंपनी इंडिविजुअल के पास नहीं जाएगा, कस्टमर के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली कंपनी से ही डील करता है। तो आपको पता होना चाहिए जो 22 नवंबर 1972 में इसकी स्थापना करी गई थी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पैरेंट कंपनी ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस, तो जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है भारत की सबसे बड़ी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो ये किसकी पैरेंट कंपनी है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है एलआईसी, जीआईसी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस या फिर नन ऑफ दीज। तो
तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो जीआईसी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसी की ये क्या है, पेरेंट कंपनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रीवियसली क्या था कि जो ये एक सब्सिडरी थी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी जिसे हम जीआईसी बोलते हैं, लेकिन जीआईसी को री इंश्योरेंस कंपनी बना दिया गया बाय द एक्ट ऑफ आईआरडी एक्ट 1999। और जो इसकी चार प्राइमरी इंश्योरेंस सब्सिडरीज थी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड नेशनल इंश्योरेंस, बिकेम ऑटोनॉमस। तो इसकी जो भी सब्सिडरीज थी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस भी उनमें से एक थी, जिन्हें बाद में ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्तता दे दी गई, क्योंकि अब ये ऑटोनॉमसली काम करते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू वेंचर इन टू इंश्योरेंस बिजनेस, इट हैज टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फर्स्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन चाहता है कि वो इंश्योरेंस बिजनेस में हाथ आजमाए, तो उसे कहां से लाइसेंस लेना बहुत जरूरी होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके इसमें ऑप्शन है इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि आईबीए, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो गाइस आपको पता है आईआरडीए इसका आंसर है, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी को अगर इंश्योरेंस बिजनेस में आना है तो उसे लाइसेंस लेना होगा आईआरडीए से। तो जो आईआरडीएआई है, इसमें एक बोर्ड है जिसमें आपको 10 मेंबर्स मिलेंगे, इसमें आपको चेयरमैन मिलेंगे, इसमें 5 फुल टाइम और 4 इसमें पार्ट टाइम मेंबर देखने को मिलेंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट करा जाता है। अगला क्वेश्चन है सीएसडीएल कमेंस्ड इट ऑपरेशन ड्यूरिंग फरवरी 1999, व्हाट इज सीएसडीएल। तो आपके ऑप्शन है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, या फिर सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, या फिर सेंट्रल ड्यूअल सिक्योरिटीज लिमिटेड, या फिर क्लोज एंडेड डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, या फिर कैपिटल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं सीएसडीएल का मतलब होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब इसका काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है गाइस कि इसका काम क्या है। तो इसका काम है जो सीएसडीएल, इसकी स्थापना करी गई थी कब, 1999 में, ठीक है। और ये पहली ऐसी लिस्टेड सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है जिसका कि आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा मुंबई में। इसका मेन फंक्शन है कि भाई जो आपने होल्डिंग करी है सिक्योरिटीज की, उनका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या वो बुकवाइज हो रहा है, क्या वो लॉफुली हो रहा है, तो ये काम है सीएसडीएल का चेक करने का। तो हमारा आंसर यहाँ पे होता है ए। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे, द मल्होत्रा कमेटी वाज सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीमेंटिंग द रिफॉर्म्स इनिशिएट इन द। तो मल्होत्रा कमेटी जो सेटअप करी गई थी भारतीय सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, किसमें रिफॉर्म्स, किसमें सुधार लेके आने थे उनको। तो आपके ऑप्शन है बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, या फिर प्राइमरी सेक्टर। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर होगा फाइनेंशियल सेक्टर। तो मल्होत्रा कमेटी जिसकी स्थापना 1993 में करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके चेयरमैन थे आर एन मल्होत्रा, और ये जो आर एन मल्होत्रा थे ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके थे। इन्होंने कई सारे ऐसे रिकमेंडेशन, कई सारे रिफॉर्म्स करवाए थे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में, और बेसिकली इंश्योरेंस के सेक्टर में इन्होंने इस चीज को काफी आगे लेके गए थे, काफी रिफॉर्म्स इन्होंने करवाए थे। एंड गाइस इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आपके लिए सारे के सारे मॉक टेस्ट हमने फ्री रखे हैं, वेबसाइट पे जाएं आप www.iexambi.com, सारे के सारे टेस्ट जो है आपके वहां पे आप फ्रीली अवेल कर सकते हैं, कोई भी आपको कॉस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा म्यूचुअल फंड कैन बी कंसिडर्ड एज, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो आपके ऑप्शन है फाइनेंशियल इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, चेक, ड्राफ्ट, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो म्यूचुअल फंड होता है बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल व्हीकल होता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे, बहुत ज्यादा लोगों के पैसे एक जगह पूल करे जाते हैं, पैसे उनसे लिए जाते हैं, इन्वेस्टर हो चाहे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो, और उनका पैसा लेकर सिक्योरिटीज में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में लगाया जाता है एज अ पूल की तरह, ठीक है। तो गाइस तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा जो म्यूचुअल फंड है, वो जो म्यूचुअल फंड हमारा क्या होगा गाइस, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। यानी कि क्या करती है, एक तरीके से आपका एक मीडिएटर है जो आपके और फाइनेंशियल चीज के बीच में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, तो यूआईआईसी का आपको हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलता है। आपके ऑप्शन कलकत्ता, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, पटना। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कभी लगता है कि आपको इसका आंसर नहीं पता, कोई भी ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है जिसका आपको हेडक्वार्टर पूछा है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपका यह रहेगा कि उसके जो आपको
हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे, या तो दिल्ली में देखने को मिलेंगे या तो मुंबई। मुंबई इज द फर्स्ट ऑप्शन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर है गाइस, ना ही मुंबई है ना ही दिल्ली है, तो इसका आंसर है चेन्नई गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा एक ट्रिक दिया है कि कैसे आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। तो आपने जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके ज्यादातर के आपको मुंबई देखने को मिलेंगे, लेकिन कई कई ऐसी कंपनीज होती हैं कंफ्यूज करने के लिए, वो आपको देते हैं ताकि आपका जो आंसर है वो मुंबई लग जाए। तो गाइस 14 वाले का आंसर आपको देखने को मिलेगा चेन्नई। तो ये जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, ये एक लीडिंग इंडियन इंटरनेशनल नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, जैसे कि आपका गाड़ी का कर दिया, जैसे कि आपका कंपनी का कर दिया, जैसे कि आपका फायर का कर दिया, कोई भी ऐसा इंश्योरेंस जो आपके लाइफ से हटकर चीजें हैं, जैसे कि आपको लगता है कि आगे जाकर उससे खतरा हो सकता है, तो वो आपका जनरल इंश्योरेंस में आ जाता है। इसको आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ले सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। इसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा, और ये पहले तो आई थी 18 फरवरी 1938 में जब इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में भारतीय सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण करा, नेशनलाइज करा, और 1972 में इसे एक सरकारी कंपनी बना दिया गया। अंत में आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, आपको तीन कथन या फिर तीन स्टेटमेंट आपको दे रखी है, आपने बताना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनमें से कौन सा सही है या फिर तीनों की तीनों सही है। तो LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1990 को, तो बिल्कुल सही है। दूसरा आता है आपका इट हैड हेड ऑफिस एट न्यू दिल्ली, क्या इसका जो हेड ऑफिस है वो आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, तो ये भी सही है। इन 2008 इट्स होली ओन सब्सिडरी वाज ओपन इन सिंगापुर, तो सिंगापुर में इसने अपना एक सब्सिडरी खोला था, तो ये भी सही है। तो तीनों हमारे सही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है E 1, 2 and 3। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आता है आपका कि LIC के हेड कौन है। तो LIC के अभी वर्तमान में चेयरमैन है आपके MR कुमार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट सबसे यही है। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो होगा D 1 and 3, ये सेकंड वाला यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इसका न्यू दिल्ली में नहीं है गाइज। आपको इसका जो देखने को मिलेगा वो मुंबई में देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज यही है, कोई भी गलती होती है तो आपने उसे कमेंट में बताना है। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी आप देख रहे हो 124K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अभी हमको आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा नॉलेज से भरपूर। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।